सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी 2000। अच्छा, 2000 आपकी सैलरी है, प्लस ट्रिप सिस्टम है। ये 1500 किलोमीटर है, लेकिन ये कस्टम और बॉर्डर की वजह से 4-5-7 दिन लग जाते हैं। 400-500 रुपए, आगे जद्दा जाओ तो उसका लग है 1000 रुपए ऐसे। किस स्थान से? इंडिया से। तो अभी वीजे जा रहे हैं आपकी कंपनी के उधर के? नहीं, नहीं। अगर किसी बंदे ने उधर से कंपनी चेंज करनी हो दुबई से, तो वो किसी और कंपनी से आपकी कंपनी में आ सकता है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज हमारे एक भाई दुबई से सऊदी अरेबिया ट्रेले पे आए थे, तो मैंने सोचा कि उनका इंटरव्यू करें और उनसे थोड़ी सी मालूमात लें और आप भाइयों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक भाई, आप सुनाओ? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं कि आपका क्या नाम है और आप पाकिस्तान किस जगह से हैं? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, वादी सुन सके सर। वादी सुन सके सर, जिला हुशाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो मेरे बहुत सारे भाई इस चीज़ के मतलब पूछते हैं कि जो ट्रेलर ड्राइवर दुबई से सऊदी अरेबिया में आते हैं या किधर किसी जगह में इंटरनेशनल चलते हैं, तो उनके साथ हमारे भाई कह रहे थे कि इंटरव्यू करने के लिए। तो इमरान भाई, आप किधर जॉब करते हैं, आपकी कंपनी का क्या नाम है और किस जगह पे वाक़ है? हमारी कंपनी का नाम हाईटेक है और हमारा जो कंपनी का वेयर हाउस है वो जबल अली में। जबल अली दुबई में? दुबई। तो आप इंटरनेशनल गाड़ी चलाते हैं कि लोकल भी चलाते हैं? नहीं नहीं, बस इधर सऊदी में आते हैं। सिर्फ सऊदी में आते हैं, किसी और कंट्री में भी जाते हैं? कुवैत, बहरीन, जॉर्डन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब, आपको हाईटेक कंपनी में कितना टाइम हो गया? मेरे को भाई 4 साल हो गया। 4 साल हो गए हैं। और आपने अपनी कंपनी का वीजा किधर से लिया था, कौन सी एजेंसी से लिया था, किस कैसे लिया था? इस कंपनी में उसने मेरा वीजा लिया कंपनी। अच्छा, वो भाई ने आपका वीजा भेजा था। तो अभी जो आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, वाल्वो FH। वाल्वो एफ एच एफ एच। इमरान भाई, मुझे ये बताएं कि आपकी सैलरी सिस्टम है और साथ में ट्रिप सिस्टम है या क्या सिस्टम है आपका? सैलरी है और बकाया ट्रिप है, कमीशन है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी 2000। अच्छा, 2000 आपकी सैलरी है, प्लस ट्रिप सिस्टम है। प्लस। तो बहुत सारे भाई इस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं कि जब आप दुबई से, आपकी कंपनी तो दुबई में वाकई है ना, तो आप जब दुबई से किसी और कंट्री में जाते हैं कोई ट्रिप लेके, तो जो रास्ते में आप डीजल डालते हैं वो आप अपनी जेब से डालते हैं कि कंपनी मुहैया करती है? वो कंपनी। अच्छा, और जो रास्ते में आप खाना पीना खाते हैं वो अपना होता है? वो खाना आपका अपना होता है। और जो अगर रास्ते में गाड़ी के साथ कोई मेंटेनेंस का कोई मसला बन जाए या गाड़ी का कोई टायर पंचर हो जाए, कोई ऐसे मामला हो जाए, तो वो आपके जिम्मे होता है कि वो कंपनी के जिम्मे होता है? नहीं, वो हमारे जिम्मे होता है, कंपनी जो है वो बिल ले लेते हैं, पैसे दे देती है। अच्छा, वो आप मतलब सही करवा रहे थे, गाड़ी रिपेयर करवा लेते हैं और कंपनी आपको पैसे मुहैया कर देती है? अच्छा, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप अपनी कंपनी में खुश हैं? खुश हैं भाई। अच्छा, तो जैसे अभी आप सऊदी अरेबिया में आए हैं दुबई से, तो रास्ते में ये जो सफर है कितने किलोमीटर है और आप कितने टाइम में इसको तय कर लेते हैं? 1500 किलोमीटर है, लेकिन ये कस्टम और बॉर्डर की वजह से 4-5-7 दिन लग जाते हैं। 4-5-7 दिन एक साइड के कि दोनों साइड के? एक साइड के। तो जब आप अपने उधर दुबई से इधर सऊदीया में आते हैं, तो क्या सामान लोड करके लेके आते हैं? ये स्पेयर पार्ट। स्पेयर पार्ट गाड़ियों के? स्पेयर पार्ट गाड़ियों के। तो जब आप वापस जाते हैं तो खाली जाते हैं, क्योंकि लोड लेके जाते हैं इधर से? खाली जाते हैं। अच्छा, खाली जाते हैं। तो जब आप मतलब दुबई से इधर सऊदीया में आते हैं या किसी और कंट्री में जाते हैं, तो दुबई से सऊदीया का आपको कितने ट्रिप के पैसे मिलते हैं? ये अलग है, रियाद का अलग है 400-500 रुपए, आगे जद्दा जाओ तो उसका अलग है 1000 रुपए ऐसे। अच्छा अच्छा, अलग अलग ट्रिप सिस्टम है। सही है। तो डीजल जो है, डीजल आप अपनी जेब से डालते हैं कि कंपनी की तरफ से होता है? कंपनी की तरफ से। ये पैसे दे के भेजते? अच्छा, वो डीजल के पैसे दे के भेजते हैं, बॉर्डर का सब कुछ दे के भेजते हैं। अच्छा अच्छा, इमरान भाई, आपकी कंपनी में कौन कौन सी नेशनलिटी के बंदे हैं? इंडिया का, मिस्र, पाकिस्तान। अच्छा, तो आपकी कंपनी के पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं? वाल्वो एक्ट्रस, मर्सिडीज एक्ट्रस। तो अगर किसी नए बंदे ने आपकी कंपनी में आना हो या वीजा लेना हो पाकिस्तान से, इंडिया से, तो अभी वीजे जा रहे हैं आपकी कंपनी के उधर के? नहीं, इधर बस कोई आदमी, उसको दोस्त, वो ही वीजा लेके भेज सकते हैं।
अगर किसी बंदे ने उधर से कंपनी चेंज करनी हो दुबई से, तो वो किसी और कंपनी से आपकी कंपनी में आ सकता है? आ सकता है, कंपनी चेंज कर सकता है। तो आप थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि आपकी कंपनी का हेड ऑफिस किस जगह में है? हमारा हेड ऑफिस जबल अली में है। जबल अली में कौन सी जगह पे? जबल अली में, जबल अली पोर्ट। अच्छा, जबल अली पोर्ट पे है। अच्छा इमरान भाई, जैसे कि आप बता रहे थे कि आप अलग अलग कंट्रीज में जाते रहते हैं, तो आपकी कंपनी का सिर्फ और सिर्फ स्पेयर पार्ट सप्लाई करने का काम है? अच्छा, स्पेयर पार्ट सप्लाई करने का काम है। तो आप दुबई से जब कुवैत जाते हैं तो कितना टाइम लगता है आपको जाने के लिए? वो भी भाई तकरीबन 2 दिन बॉर्डर पे लग जाते हैं, 1 दिन आगे रास्ते पे लग जाता है, फिर आगे कस्टम में 2-3 दिन लग जाते हैं, तकरीबन 10 दिन लग जाते हैं। अच्छा, तो जैसे कभी आप बॉर्डर में मतलब उधर टाइम ज्यादा लग जाता है, तो रास्ते में जो आप खाना पीना करते हैं, खाते पकाते हैं, खुद खाते पकाते हैं कि रास्ते में किसी होटल से खाते हैं? नहीं, ये बॉर्डर में तो खुद रास्ते पे आप लोग खुद कुकिंग करते हैं? आप लोग? हाँ, हम खुद करते हैं, गाड़ी के साथ किचन है सब कुछ। अच्छा, तो आप जैसे जॉर्डन में भी जाते हैं, बहरीन में जाते हैं, कुवैत में जाते हैं और इधर भी जाते हैं, सऊदीया में भी आते हैं, तो आप सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री को पसंद करते हैं? किधर सबसे ज्यादा? सऊदीया को। उसकी वजह क्या है? बस इधर अल्लाह का घर है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इमरान भाई, थोड़ा ये बताएं कि जो ड्राइवर हजरात हैं जो इंटरनेशनल चलते हैं, उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? भाई रास्ते पे गाड़ी खराब हो जाए, टायर पंचर हो जाएगा, यही होता है। और अभी एसी खराब है गाड़ी का। अच्छा, 2 दिन थे अभी बैठे हैं। अच्छा अच्छा, अभी आपको टाइम ही नहीं मिल रहा कि गाड़ी का एसी रिपेयर करवाने के लिए? जी, तो गाड़ी का जैसे एसी खराब है, आप रिपेयर करवाएंगे, आप उसकी इनवॉइस बनवा लेंगे, उसका फतूरा बनवा लेंगे, तो कंपनी को देंगे, कंपनी आपको पे कर देगी? चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पाकिस्तान में जब आप थे, तो पाकिस्तान में कौन कौन सी गाड़ी चलाई है आपने? पाकिस्तान में 70 गाड़ी चलाई है। अच्छा, हिनो 70। उसके बाद राकेट चलाई है। माशाल्लाह, ओल्ड इज गोल्ड है, ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा इमरान भाई, पाकिस्तान में जो आप ये गाड़ियों का जिक्र किया, आप लोग आप ये गाड़ियां चलाते थे, तो पाकिस्तान में आपके पास कौन सा लाइसेंस था? HTV। तो जनाब, जब आप UAE में चले गए थे, तो आपने कितने टाइम में लाइसेंस ले लिया था? 2-3 महीने में ले लिया था। 2-3 महीने में ले लिया था। तो कंपनी ने बनवा के दिया कि आपने खुद से बनवाया? हमने खुद से बनवाया। तो आपका कितना खर्चा आ गया था? 5,000 आ गया था 2014 में। 2014 में 5,000 दिरहम। तो आपने कितनी ट्राई में लाइसेंस ले लिया था? पहली में ले लिया था। तो आपका जो दुबई का लाइसेंस है, वो कितने नंबर लाइसेंस है? वो 4 नंबर। 4 नंबर लाइसेंस है। तो उसमें कौन कौन सी गाड़ी आ जाती है? बस उसमें ये बड़ा गाड़ी आता है, ट्रेला और मशीनरी नहीं, सिर्फ ट्रेला और बड़ी गाड़ी, ये सिंगल हो गई, दस व्हीलर। अच्छा, वापसी आपकी कब है? बस आज गाड़ी खाली हो गई इधर। अच्छा चलो, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया इमरान भाई अपना कीमती टाइम देने का। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे, और आप खैरियत से अपनी मंजिल की तरफ चले जाएं। तो आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो देखी है। तो ये हमारे भाई थे इमरान अमान वादिये सून खुशाब से। तो इनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इनके लिए मजीद आसानियाँ पैदा करें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।